बिहार की राजनीति में उलटफेर कोई नई बात नहीं है। वहां पर रातों रात सरकारें बदल जाती है। थाली के बैंगन की तरह नेता दल बदलते रहते हैं। खास करके ये दल बदलू तस्वीरें आपको नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जेडीयू में ज्यादा देखने को मिलेगी। आपको बता दें, जनता दल के शुरुआती दिनों के साथी और वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने रविवार को जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से आखिरकार इस्तीफा दे ही दिया। उनकी जगह राजीव रंजन प्रसाद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। जेडीयू की ओर से जारी आधिकारिक बयान में कहा गया है कि त्यागी ने निजी कारणों से राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी के इस फैसले की वजह से कई मायने निकाले जा रहे हैं। पार्टी द्वारा जारी सर्कुलर के मुताबिक राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को पार्टी का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया है। जेडीयू के अनुभवी नेता त्यागी को मई 2023 में राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ ही विशेष सलाहकार नियुक्त किया गया था। उनकी इस नियुक्ति के संबंध में बयान जारी किया गया था और उसमें कहा गया था कि त्यागी के संगठनात्मक अनुभव का लाभ उठाने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री एवं पार्टी के प्रमुख नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी का विशेष सलाहकार और मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया है। आइए अब आपको बताते हैं इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी क्या है। केसी त्यागी की प्रवक्ता पद से विदाई की क्या वजह रही, इसके पीछे कई वजह है। हाल फिलहाल की अगर बात करें तो त्यागी लगातार कई मुद्दों पर पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी कर रहे थे। कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि उनका बड़बोलापन उनके ऊपर भारी पड़ गया। वो पार्टी नेतृत्व से सलाह किए बिना बयान पर बयान दिए जा रहे थे। त्यागी के बयानों के कारण एनडीए में मतभेद की खबरें चलने लगी थी। उदाहरण के लिए उन्होंने विदेश नीति पर इंडिया गठबंधन के नेताओं के सुर मिलाया। इसराइल से हथियारों की आपूर्ति रोकने को लेकर इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ साझा बयान तक पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिए, मानो वो उधर के नेता हो। वही प्रमुख पदों पर लैटरल एंट्री के मुद्दे पर भी आलाकमान को बिना भरोसे में लिए बयान दे दिए। इसके अलावा SC/ST रिजर्वेशन कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिना पार्टी से बात किए झट से बयान जारी कर दिया। कई बार तो उन्होंने इन्हीं मुद्दों पर अपनी निजी विचार पेश किए जो पार्टी लाइन से मेल नहीं खा रहे थे। वैसे निजी बयान भी मीडिया में पार्टी के विचार की तरह ही पेश हुए। इन सारी बातों को लेकर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक पार्टी नेतृत्व ने त्यागी से कई बार बात भी की, उन्हें समझाने की भी लगातार कोशिश की, लेकिन जब उन्हें समझाने का कोई असर नहीं हुआ तो आखिरकार उनकी प्रवक्ता पद से छुट्टी हो गई। हालांकि कहा ये जा रहा है कि उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज स्टेट्स के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।